के चलते महाराष्ट्र में आज से अनलॉक का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में जो है लगभग बहुत सारी चीज़ों में रियायतें दी गई है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई को लेवल 3 पे रखा गया है अभी तक, और जो रियायतें दी गई है खास करके जो दुकानदार है वो काफ़ी परेशान थे लॉकडाउन के चलते। लगभग 2 महीनों से इनकी दुकानें बंद थी, खास करके ऐसे दुकानदार जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन आज से जो है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दुकानदारों को अनुमति दे दी गई है खोलने की, लेकिन समय निर्धारित के साथ ये अनुमति दिया गया, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जो दुकानदार है वो अपनी दुकान खोले रह सकते हैं। और इसी पूरे मामले पे हमने ग्राउंड रिपोर्ट की और जो दुकानदार है उनसे हमने जानने की कोशिश की, खास करके ऐसे दुकानदार जो पूरे लगभग 2 महीने से अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी थी लॉकडाउन के चलते, और इस लॉकडाउन के चलते उन्हें कितना भारी नुकसान झेलना पड़ा, खास करके वो जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए नहीं थे। और इस पूरे मामले में उन दुकानदारों को क्या कुछ कहना है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। और बाकी चीज़ें क्योंकि पुराने भी लॉकडाउन के जो भी है खर्चे हमारे ऊपर ऑलरेडी हमारे लोड है उसका, लेकिन हम चल रहे हैं उसको लेके। तो अब ये चीज़ अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते तो गवर्नमेंट के ऊपर लोड पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है जैसे हम अनकम्फर्ट फील कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी फील करेगी, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से गवर्नमेंट अनकम्फर्ट फील करे। वो फ्रीली माइंड से अपना वर्क करे और हमें सपोर्ट करे, ऐसा ना कि हमारे ऊपर प्रेशर करे और हम परेशान हो जाएं और एंड में हम शॉप क्लोज करें और कुछ ऐसा वर्क करें कि जो हम अगर शॉप क्लोज करते हैं हमसे 2-4 लोग जुड़े होते वो भी क्लोज हो जाते हैं। तो वर्क ये होता है कि जो अभी आज के टाइम में जैसा कि बोलते हैं कि लोगों के पास जॉब नहीं है, तो यही जॉब है। अगर 5 लोग निकलते एक शॉप क्लोज होती है, 5 लोग 7 लोग निकलते एक शॉप से जो जुड़े हुए कारखाने इसी बेस पे चलते, तो सब चीज़ें फिर वही लोग बेरोजगार होते। तो हमको अगर गवर्नमेंट संभालेगी तो हम भी 2-4 लोग को संभालेंगे, ऐसा है। अभी थोड़े के लिए ठीक है, फिर तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। 2 बजे से अभी 4 बजे तक के होगा, 4 से फिर 8 बजे तक के होगा, तो वो सही है, टाइमिंग सही है। क्या ज़्यादा गर्दी नहीं हो, ज़्यादा पब्लिक नहीं हो तो थोड़ा सा ही है कि मतलब कोरोना के पेशेंट वगैरह की तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, ग्राहक आएंगे थोड़ा बहुत कुछ कारोबार चलेगा। तो प्राइस की बात करें तो क्या महंगाई सब हर एक चीज़ में जैसे बढ़ी है, तो उसके उसका हमको नहीं पड़ेगा, असल में क्या कस्टमरों को पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइस आएगा तो कस्टमर को जाएगा, पैसा तो हम थोड़ी देंगे, कस्टमर ही देता है पैसा, तो उनके लिए नुकसान है। आप कोई शॉप वाले के लिए कोई चीज़ नुकसान नहीं है, क्यों, क्योंकि महंगा मार्केट से रेट बढ़ के आएगा तो कस्टमर को रेट बढ़ के ही देना पड़ेगा। ज़्यादातर इसमें लॉस है तो कस्टमरों का। सरकार से क्या अपील करेंगे, सरकार कुछ सुनेगी नहीं तो फिर अपील करके कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ नहीं, उसके लिए कैसा है मालूम है, सरकार को ये ज़रूर करना चाहिए कि भाई जो रेंट वगैरह है वो माफ़ करवा के दे दे, तो क्या पहले भी लॉकडाउन हुआ था तो उसमें माफ़ नहीं हुआ, तो इस टाइम पे कई जगह पे तो बच्चों की फीसें माफ़ नहीं हुई, तो हम लोग की दुकान का कहाँ से माफ़ होएगा। लाइट का बिल तो कम ले नहीं रहा है, बंद है पूरा, उन्हें रिलीफ देना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए इतना का। मुंबई में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, खास करके जो दुकानदार है वो ज़्यादा परेशान थे लॉकडाउन के चलते। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, ज़्यादातर जो दुकानदार है उनका यही कहना है कि हमारी जो शॉप है वो अत्यावश्यक सेवाओं में नहीं आती है, जिसके चलते पूरे 2 महीने तक बंद करनी पड़ी थी और आज से दुकानें शुरू हो रही है। लेकिन जब ये दुकानें बंद थी 2 महीने में उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है, खास करके जो जो दुकान में जो वर्कर्स काम करते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं निकालना पड़ा था लॉस के चलते। और इन दुकानदारों की यही मांग है कि जब हम पूरी तरह से हमारी दुकान हमने बंद किया था तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को उन्हें जो है रिलीफ देना चाहिए था, खास करके दुकान के जो रेंट है उसे लेके, लाइट के बिल को लेके। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन लगाने से पहले इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, जिसके चलते अब उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी इन्होंने यही उम्मीद लगा के रखी है कि आज से जो है जिस तरह से अनुमति दी गई है खोलने के लिए, कहीं ना कहीं आने वाले दिन जो है इनके लिए अच्छे
साबित हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से राज्य सरकार ने आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है, उसमें कई सारे चीज़ों में जो है रियायतें दी गई है। बसों में पूरी कैपेसिटी के साथ छूट दी गई है, सिर्फ लोकल ट्रेन जो है अभी भी बंद है, और जिसमें लोग जो है लोकल ट्रेन में अभी भी सफ़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस उसमें सफ़र कर सकते हैं। और जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से अब खुल चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब मुंबई धीरे धीरे अनलॉक की तरफ पूरी तरह खुल जाएगा। और इससे चलते जो लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें अब इस चीज़ से थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो ऑफ़िस है ऑफ़िस के लिए भी लोग जो रवाना होने लगे सुबह सुबह, ऑफ़िस का भी जो प्रशासन ने समय निर्धारित किया है, जो उनका टाइमिंग रखा है वो भी सुबह 7 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक ही रखा है। तो कहीं ना कहीं आज से हमने देखा है कि किस तरह से लोग जो है सड़कों पे निकलना शुरू हो गए हैं। ट्रैफिक भी हालांकि हमें देखने को मिला कि आज पहला दिन था अनलॉक का, जिसमें ट्रैफिक की जो काफ़ी हमने देखा कि ट्रैफिक भी काफ़ी पैमाने पर देखने को मिल रहा है। तो अगर कुल मिला के कहें तो अब जो है धीरे धीरे मुंबई अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं इससे राहत ज़रूर मिलेगी। HM News के लिए सरिता शर्मा।